साथियों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर से ये वैकेंसी आया है। साथियों अभी अभी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। दोस्तों जिन बच्चों को स्टेनोग्राफी की नॉलेज है, जो बच्चे स्टेनोग्राफी जानते हैं वो भी हिंदी से, तो उनके लिए वैकेंसी आया है कनिष्ठ सहायक का, सॉरी निजी सहायक का, हिंदी हिंदी ये पोस्ट का नाम है, कनिष्ठ निजी सहायक। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है राजस्थान हाई कोर्ट में। तो साथियों जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है स्टेनोग्राफर की, उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथियों देखो पे स्केल L10 राज्य सरकार का जो L10 है वो पे स्केल मिलेगा 33,800 से 106,700, ये इसका साथियों पे स्केल है, देख लो आप। और 33,800 सिर्फ ये बेसिक रहेगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको 23,700 रुपये यहाँ पर दे होंगे, दो साल का जो प्रोविजन है राजस्थान में उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी जो वैकेंसी है, वैकेंसी की जो ऑल ओवर पोस्ट है साथियों, ये आप देख सकते हो यहाँ पर 30 पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 30, और यहाँ पर आप आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 13 पोस्ट है, OBC की 6, ST की 3, SC की 4, EWS की 3 और MBC की 1, इसी प्रकार यहाँ पर डिवाइडेड किया गया है। दोस्तों फॉर्म ये पद की संख्या घट और बढ़ सकती है, ये कोई वो नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों मुख्य मुख्य बात ही यहाँ पर जो आपकी जानकारी चाहिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, मस्ट बी ए ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, कोई भी हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए, BE, BTEC वगैरह सब चलेंगे। आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। दूसरा क्या है साथियों, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये इसका मिनिमम वो है, जिन बच्चों को स्टेनोग्राफी नहीं आती साथियों, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा, आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो बच्चे ऑलरेडी स्टेनोग्राफी जानते हैं। साथियों एज ग्रुप यहाँ पर देख लो, 18 से यहाँ पर 40 रहेगा साथियों, ये रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए। और फिर इसके अलावा राजस्थान सरकार के नियम अनुसार उम्र में छूट ST SC OBC MBC जो मिलती है वही मिलेगी साथियों। परीक्षा शुल्क मित्रों जनरल अभ्यर्थी के लिए और OBC MBC की जो क्रिमिलर श्रेणी, उनकी 750 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। और राजस्थान के जो क्रिमिलर नॉन क्रिमिलर हैं OBC MBC उनकी फीस रहेगी 700 रुपये, और ST SC जो दिव्यांगजन है 41 महीने, उनकी रहेगी 450। यहाँ फीस का विवरण है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पाठ्यक्रम, ये मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट है, चेंज की तिथि। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ कोई रिटर्न नहीं होगा, यहाँ डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम होगा, वो शॉर्ट एंड का होगा। तो साथियों हिंदी शॉर्ट एंड आपको आना चाहिए, मतलब स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, 70 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। दोस्तों 8 मिनट आपको दिए जाएंगे 70 वर्ड पर मिनट में, एक मतलब आपको एक मिनट में 70 वर्ड लिखना है स्टेनोग्राफी में। जो बच्चे स्टेनोग्राफी जानते हैं उनके लिए टफ नहीं है, इजी है साथियों, ठीक है। और जो आपने लिखा है उसका फिर आपको क्या करना है, 70 मिनट के अंदर उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, जो आपने स्टेनो में लिखा है, हिंदी स्टेनो में, ठीक है। उसके बाद आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा साथियों, इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो यही है, 100 नंबर का होगा अकेला, ठीक है। उसी प्रकार आपका एफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, स्पीड टेस्ट होगा और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, दोनों 10-10 मिनट के होंगे, ये भी 50-50 नंबर के होंगे, ठीक है दोस्तों। तो टोटल जो मेरिट है वो बनेगी मित्रों 200 में से, ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। शॉर्ट एंड में मिनिमम जो मार्क्स चाहिए ST SC वाले अभ्यर्थियों को, 50 में से 20 नंबर आना जरूरी है एफिशिएंसी में और शॉर्ट एंड में, और सॉरी एफिशिएंसी और स्पीड टेस्ट में। और जो अदर जो कैटेगरी है, जैसे कि जनरल कैटेगरी, EWS या OBC, उनके लिए 22.5 नंबर आना जरूरी है, ठीक है। इससे कम आएगा तो यहाँ पर साथियों ये मेरिट में आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये जो लास्ट फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, वो भी रखा गया है, ठीक है दोस्तों। अब आप ये इंपॉर्टेंट ये देख सकते हो कि यहाँ पर फॉर्म भरना साथियों 9 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और 9-3 मतलब 9 मार्च तक आपका ये आप ये फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क 10 मार्च तक आप जमा करा सकते हैं। साथ ही अगर आप योग्यता रखते हैं तुरंत फॉर्म भरें, इसमें लेट ना हो। देखो बहुत जल्दी प्रोसेस दिए करवाएगा हाईकोर्ट साथियों, लिखा है मतलब 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा साथियों जयपुर में, ठीक है दोस्तों। तो जिन बच्चों की अगर स्पीड कम है तो अभी से तैयारी में लग जाएं, आगे और आपको सूचना दे दी जाएगी। और इसमें मेहनत करें साथियों, बहुत अच्छा जॉब है, L10 का है, स्टेट गवर्नमेंट का। दूसरी बात है, यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं साथियों, ऑफिशियल टाइम पे आप इन हेल्पलाइन नंबरों पे बात करके आपकी जो भी समस्या है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो ड्यूरिंग ऑफिस आवर, ठीक है दोस्तों। समय समय पर अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए आपको तो यहाँ पर ये वेबसाइट दे रखी है राजस्थान हाई कोर्ट की, तो आप इसी से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आए, ठीक है दोस्तों।
तो स्टेन वाला बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, बिना रिटर्न साथियों, यही एक हाई कोर्ट का ये रूल है, कोई रिटर्न कोई एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और आपको डायरेक्ट कंप्यूटर पे स्टेनोग्राफी देनी है साथियों, कंप्यूटर टेस्ट देना, एफिशिएंट टेस्ट देना है और आप ये नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद साथियों।